हम हैं अमन त्रिवेदी और इस वीडियो में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दिस इज वर्ड पावर मेड इजी समरी और इस कोर्स को प्रस्तुत करता हूं मैं अमन त्रिवेदी। दिस इज आई हैव बीन ऑडिटर इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और ये किताब है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। इस किताब की समरी हम इस वीडियो में बनाते हैं और उसके बारे में हम बात करते हैं और इन वीडियोस की प्लेलिस्ट आप यहां से एक्सेस कर सकते हो आई बटन पे क्लिक करके। प्लेलिस्ट में आपके जितने भी अभी तक के वीडियो हैं सारे मैंने ऐड कर दिए हैं तो आप एक जगह से सारे वीडियोस एक्सेस कर सकते हो। और अगर अभी तक ये किताब नहीं खरीदी है तो खरीद लीजिए, अगर इस समय फिजिकली अवेलेबल नहीं हो सकती है तो किंडल वगैरह पे ले लीजिए अगर अवेलेबल है तो, क्योंकि किताब बहुत अच्छी है और इस किताब से आपको नो डाउट आपकी वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी होगी। और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा ये आपकी किताब देती है वो होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोगों ने बात की थी कुछ वर्ड्स की जो कि रिलेटेड थे एक्शन से और उनके बारे में हमने बात की थी। मैंने आप लोगों से कल कहा था कि बहुत दिनों के बाद मैंने इस सीरीज़ को दोबारा स्टार्ट किया है और वो इसलिए क्योंकि आप लोगों ने में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि इसको शुरू करें, तो कल का रिस्पॉन्स खैर अच्छा रहा। आप लोग प्लीज़ ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा शेयर कर दो वीडियो को, क्योंकि अगर हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकेंगे तो हम इस सीरीज़ को और अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे। तो वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करिए, आप लोग एटलीस्ट एक एक दो दो फ्रेंड्स के साथ में अपने शेयर कर दो और उन लोगों से बोलो कि इस वीडियो को देखें। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है एंड तक जरूर देखें, आप बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, और ज्यादातर लोग वीडियो को बीच में छोड़ के जा रहे हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पर आप लोगों ने अगर मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए। अनअकैडमी पे भी मेरी फ्री क्लास होती है 6 to 7 PM शाम को 6 से 7 बजे तक, मंडे टू सैटरडे मेरी क्लास होती है अनअकैडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मंडे टू सैटरडे मेरी फ्री क्लास होती है अनअकैडमी पर 6 to 7 PM और उसको एक्सेस करने के लिए अनअकैडमी पर जाइए, अमन त्रिवेदी को फॉलो कर लीजिए और वहां से आपको नोटिफिकेशन क्लासेस का आ जाएगा। ये मेरे मई के कोर्सेज हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हो। कई सारे कोर्सेज हैं, टीयर टू बैच है यानी कि टीयर टू की तैयारी करनी है तो उसके लिए भी बैच है, वोकैबुलरी का बैच है, MCQs का बैच है, पैरा जंबल क्लस्टर्स और RC का बैच है, ग्रामर का बैच है। ये सारे बैचेस को एक्सेस करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड AMAN त्रिवेदी या फिर AMANT इसको इस्तेमाल कर सकते हो और उससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी मेरी बेसिक जानकारी। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरे बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपका @AmanTrivedi, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आपको कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा। आप @AmanTrivedi इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए, @ लगाइए और अमन त्रिवेदी लिखेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। वहां पर आपको क्लास की PDF वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो कल के वीडियो में हमने बात करी थी आपके वोकैबुलरी की, कल हमने कुछ वर्ड्स देखे थे और वो वर्ड्स हमारे रिलेटेड टू एक्शंस थे, उसी के आगे हम बात करेंगे। सेशन नंबर 19 to 20 हम डिस्कस कर रहे थे, ये सारे वर्ड्स हमने कल डिस्कस कर लिए थे तो कल के वर्ड्स आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से। अगली बात करते हैं, अगला जो हमारा रूट वर्ड है वो है MB। MB का मतलब हो जाता है बोथ, ठीक, और डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल। ठीक है, OUS अगर किसी में लगेगा तो वो हो जाता है एडजेक्टिव, ठीक, और FUL भी लगाएगा तो भी हो जाता है एडजेक्टिव। डेक्स्टर का मतलब होता है निपुण, किसी कार्य में बहुत दक्ष, बहुत अच्छा होना, और OUS लग गया तो एडजेक्टिव हो गया, मतलब स्किलफुल ये आपका एडजेक्टिव बन जाता है। अब देखिए यहां पर एम्बीडेक्स्ट्रस क्या हो जाएगा, एम्बीडेक्स्ट्रस आपका एडजेक्टिव हो गया। हम उसे कहते हैं द वन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल ईज। जैसे कि ये बच्ची इस हाथ से भी लिख रही है और इस हाथ से भी लिख रही है तो ये बच्ची कैसी हो गई, एम्बीडेक्स्ट्रस हो गई। थ्री इडियट्स मूवी में एक कैरेक्टर था वायरस का, जो प्रोफेसर था, ही ऑल्सो यूज टू राइट विद बोथ हैंड्स। तो वायरस का जो प्रोफेसर, वायरस का जो कैरेक्टर है, ही इज ऑल्सो एम्बीडेक्स्ट्रस। तो एम्बीडेक्स्ट्रस हम किसे कहते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं हम ऐसे व्यक्ति को जो अपने दोनों हाथों को इक्वली ईज से इस्तेमाल कर पाए। तो एम्बी मतलब हो गया बोथ, डेक्स्ट्रस हो गया निपुण। सिनोनिम्स इसके क्या हो जा सकते हैं, एक्सपर्ट या फिर मास्टरफुल, और एंटोनिम इसका हो जाएगा अनसक्सेसफुल। ठीक, एडेप्ट भी आप इसका सिनोनिम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं फ्यू ऑफ अस आर नेचुरली एम्बीडेक्स्ट्रस, आप में से कुछ लोग जो हैं वो नेचुरली एम्बीडेक्स्ट्रस होते हैं यानी कि वो नेचुरली ही दोनों हाथों को इस्तेमाल कर पाते हैं विद इक्वल ईज। ठीक है, चलिए नाउन क्या हो जाता है आपका, एम्बीडेक्स्टेरिटी, ITY लगाओगे तो एम्बीडेक्स्टेरिटी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला वर्ड है हमारा MB। अगला वर्ड हमारा क्या है, MB। MB का मतलब हो जाता है बोथ, ठीक। वर्टो, वर्टो का मतलब हो जाता है टू टर्न, ठीक है। अगला रूट वर्ड है वर्टो, वर्टो का मतलब हो जाता है टू टर्न। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर तीन वर्ड इस इमेज में आपको दिख रहे हैं, एक है एक्स्ट्रोवर्ट,
एक है एम्बीवर्ट और एक है इंट्रोवर्ट। तीनों का मीनिंग हम जान लेते हैं क्या होता है। देखिए इंट्रोवर्ट, ठीक, वर्ट का, वर्टो का मतलब क्या है, टू टर्न, और इंट्रो मतलब हो गया इनसाइड। तो वन हु इज टर्नड इनसाइड, यानी कि जो अपने आप से मतलब रखता है, अपने आप से ऐसे मतलब रखता है, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता, ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, और सिर्फ अपने से काम रखता है। इसी तरीके से आ जाता है एक्सट्रोवर्ट, तो वर्ट मतलब हो गया टर्न, एक्सट्रो मतलब आउटसाइड। तो द वन हु इज टर्नड आउटसाइड मतलब जो लोगों से मतलब रखता है, लोगों की कंपनी पसंद करता है, सोशल होना उसे अच्छा लगता है, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना अच्छा लगता है। अब एम बी मतलब क्या है, दो, और वर्ट मतलब टर्न, तो यानी कि दोनों तरफ टर्न है। कहने का मतलब हो गया अ पर्सन हु हैज अ बैलेंस ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट फीचर्स इन दियर पर्सनैलिटी, जिसमें दोनों तरीके के फीचर्स हैं, उसे हम क्या कहेंगे, एम बी वर्ट। जैसे कि आप इस वेन डायग्राम में देखें तो ये दोनों में लाई कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, एम बी वर्ट। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, जॉन इज एन एम बी वर्ट दैट लाइक्स टू गो टू पार्टीज बट ऑल्सो इंजॉयज हैविंग हिज अलोन टाइम। यानी कि जॉन क्या है, एक एम्बीवर्ट है जिसे पार्टीज में जाना पसंद है, लेकिन और वो ये भी इंजॉय करता है, अकेले समय में रहना भी इंजॉय करता है। तो जॉन इज एन एम्बीवर्ट दैट लाइक्स टू गो टू पार्टीज बट ऑल्सो इंजॉयज हैविंग हिज अलोन टाइम। समझ में आ गई बात। तो एम्बीवर्ट हो गया उस व्यक्ति को कहेंगे जो इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है, जिसे मिलना पसंद भी है, बात करना पसंद भी है और नहीं भी पसंद है, उस सेंस में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा क्या है, नेक्स्ट है आपका एम्बिगुअस। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस क्या होता है आपका, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस क्या होता है, एम्बी मतलब हो जाता है बोथ, ठीक, एम्बिगुअस, ओ यू एस हो जाता है नाउन। तो एम्बिगुअस मतलब हो गया हैविंग एन ऑफन इंटेंशनली वेल्ड एंड अनसर्टेन मीनिंग, हैविंग एन ऑफन इंटेंशनली वेल्ड एंड अनसर्टेन मीनिंग, यानी कि जानबूझ के आप अपनी बात को छुपा रहे हैं। जैसे कि कल हमने इसका एक वर्ड देखा था, इक्विवोकल। इक्विवोकल और एम्बिगुअस एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं। एम्बिगुअस का मतलब हो जाता है, मैंने आपको ओयूएस बताया, अगर किसी में भी लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव आपका। और इसी का अगर मुझे नाउन बनाना हो तो अगर मैं आई टी वाई लगा देता हूं तो वो बन जाता है नाउन। तो एम्बिग्विटी क्या हो जाएगा आपका, एम्बिग्विटी हो जाता है नाउन आपका। और अगर एडजेक्टिव में आप एल वाई लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। तो इसी का अगर मुझे एडवर्ब बनाना हो तो क्या हो जाएगा, एम्बिगुअसली। अगर एल वाई लगाऊंगा तो क्या बन जाता है, एडवर्ब। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। अगर आप नाउन में एल वाई लगाते हैं तो वो बनता है एडजेक्टिव, और अगर आप एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो वो बनता है एडवर्ब। ठीक, क्वेश्चन लिखा है एम्बिगुअस, मीनिंग क्या हो जाता है, ऐसा शब्द जिसके एक से ज्यादा अर्थ हो सकते हैं, दैट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे, एक से ज्यादा मीनिंग निकल सकते हैं, और वो क्लियरली बताया भी नहीं रहा है कि क्या कहना चाह रहा है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका, इसका एंटोनिम हो जाता है आपका अनएम्बिगुअस, ठीक है, और जो क्लियर है। सिनोनिम हो जाएंगे आर्केन और क्रिप्टिक। फॉर एग्जांपल, द डिसएग्रीमेंट इज वेरी अनएम्बिगुअस एंड ओपन टू वेरियस इंटरप्रिटेशन। ठीक है, चलिए आप लोग मुझे सेंटेंस यूज करके बताएंगे एम्बिग्विटी का कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखकर बताएंगे एम्बिग्विटी का एग्जाम्पल लिख के बताएंगे। और इसके अलावा आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अटेंड जरूर लिखेंगे, जिससे कि मुझे पता लगे आपने ये वीडियो देखा है। अगला वर्ड हमारा है एम्बी। एम्बी का मतलब दूसरा क्या है, बोथ। तो अगला शब्द हमारा मिलता है एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी क्या है, एम्बिग्विटी इज अ नाउन। मीनिंग हो जाता है एन एक्सप्रेशन हुज मीनिंग कैन नॉट बी डिटर्मिंड फ्रॉम इट्स कॉन्टेक्स्ट। यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका मीनिंग अपने कॉन्टेक्स्ट से नहीं निकाला जा सकता। एम्बिग्विटी मैंने आपको क्या बताया, नाउन। तो मीनिंग वही हो जाता है, द स्टेट ऑफ हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। यानी कि एक ऐसी अवस्था जिसमें आप एक से अधिक अर्थ निकाल सकते हैं, उसे हम कहते हैं एम्बिग्विटी। ठीक, यानी कि जब आप एक से अधिक अर्थ निकाल सकते हो, जैसे राइट क्लियर डेफिनेशंस इन अवॉइड टू ऑर्डर एम्बिग्विटी। यानी कि आप क्लियर डेफिनेशंस लिखिए जिससे कि एम्बिग्विटी ना रहे, कोई भी द्वि अर्थी ना रहे, लोग ऐसा ना समझे इसके दो मतलब ना निकाल लें। सिनोनिम हो गया मिस्टीरियसनेस, नेबुलोसिटी, एंड एंटोनिम हो जाता है क्लियरनेस एंड ऑब्वियसनेस। देर इज अ डिग्री ऑफ एम्बिग्विटी इन दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ इस स्टेटमेंट में एक एम्बिग्विटी है, यानी कि इससे एक से ज्यादा अर्थ निकल रहे हैं। अब अगला टर्म हमारा आता है डबल एंटेंड्रे। ठीक है, डबल एंटेंड्रे, इसी से आप देखिए आपका इसी से मिलता जुलता एक टर्म बन रहा है, डबल एंटेंड्रे। ठीक है,
तो आपका इसका मीनिंग क्या होगा, डबल एंट्रेंड रे मतलब हो जाता है आपका अ वर्ड और फ्रेज दैट कैन बी अंडरस्टूड इन टू डिफरेंट वेज वन ऑफ विच यूजली रिफर्स टू सेक्स. तो मतलब हो गया एम्बिग्विटी विद वन इंटरप्रिटेशन दैट इज इनडेलिकेट, यानी कि ऐसे शब्द को कहना द्विअर्थी संवाद, जैसे कई बार फिल्मों में होते हैं डबल मीनिंग जो सेंटेंसेस होते हैं उनके लिए आ रहा है आपका डबल एंटेंड्रे, मतलब हो गया एक से ज्यादा मीनिंग होना. वंस वी हैड टी एंड क्रम्पेट विदाउट अ हिंट ऑफ डबल एंटेंड्रेज, यानी कि हमने एक बार टी एंड क्रम्पेट वी हैड एंड विदाउट द हिंट ऑफ डबल एंटेंड्रे, इससे रिलेटेड आ गया. तो कहने का मतलब हो जाता है आपका डबल एंटेंड्रे मतलब हो गया कि एक्चुअली जो ये आपका, अब देखो इस एग्जांपल को देखिए, ये क्या है क्रम्पेट. क्रम्पेट क्या होता है आपका, क्रम्पेट मतलब हो जाता है स्मॉल फ्लैट राउंड केक विद स्मॉल होल्स इन टॉप ईटन हॉट विद बटर. ठीक है, तो एक तरीके का राउंड केक हो जाता है. बट दिस इज ऑल्सो एन ऑफेंसिव वे ऑफ रेफरिंग टू पीपल हु आर सेक्सुअली अट्रैक्टिव यूजली वेमेन. तो वेमेन को मतलब एक गलत तरीके से आप किसी को निगेटिव कॉम्प्लीमेंट देना चाह रहे हैं तो भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं. तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि वी ऑफन हैड टी एंड क्रम्पेट विदाउट अ हिंट ऑफ डबल एंटेंड्रे, यानी कि बिना इस बात के समझ के कि इसके एक से ज़्यादा मतलब निकल सकते हैं. तो डबल एंटेंड्रे का मतलब हो जाता है एन एम्बिग्विटी विद वन इंटरप्रिटेशन दैट इज इनडेलिकेट, या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा मतलब हैं और उनमें से जो दूसरा मतलब है वो काफ़ी सेक्सुअल वे में इनडेलिकेट है, नहीं सही है. ठीक है, चलिए अब देखो एक्वस हमने कल पढ़ा था, एक रूट वर्ड, उसी का ही आगे का यूज आता है एक्वस. एक्वस का मतलब क्या है, इक्वल. ठीक, इसी से वर्ड क्या बना आपका, इक्विटी. इक्विटी क्या हो जाता है, इक्विटी का मतलब हो गया लैक ऑफ फेवरेटिज्म टुवर्ड्स वन साइड और अनदर, यानी कि आपका फेवरेटिज्म नहीं है, लैक ऑफ फेवरेटिज्म है टुवर्ड्स वन साइड और अनदर, यानी कि आप बराबर का ही दर्जा दोनों को दे रहे हैं. तो देर शुड बी इक्विटी बिटवीन एवरीवन, यानी कि आप जो जो इक्वालिटी है सभी में, सिचुएशन इन विच एवरी वन इज ट्रीटेड इक्वली, ऐसी परिस्थिति जिसमें सभी को इक्वालिटी से ट्रीट किया जाता है, सभी को बराबरी से ट्रीट किया जाता है. जैसे कि आप इसको देखिए, ये क्या है, इक्वालिटी है और ये है इक्विटी. इक्वालिटी में देखिए आप यहाँ पर, ये बच्चा, ये लोग एक ही पायदान पर खड़े हैं, ठीक है, और ये अलग है, ये सबसे ऊँचा हुआ, ये उसके नीचे हुआ, ये उसके नीचे हुआ, लेकिन जो पायदान था वो बराबर था. यहाँ पर हमने क्या किया, चूंकि ये लोग बराबर नहीं थे, चूंकि ये बच्चे बराबर नहीं थे, तो हमने इन्हें इक्विटी में लाए, हमने सभी को बराबर चांसेस दिए. इसको हमने ये छोटी थी तो इसको हमने और बड़ा पायदान दे दिया, और ये उससे भी छोटा था तो इसको और बड़ा पायदान दे दिया. तो इसी को कहते हैं इक्विटी. जैसे कि द रिजर्वेशन ट्राइज टू ब्रिंग इक्विटी इन आर सोसाइटी. रिजर्वेशन कोशिश करता है सभी को इक्विटी देने का, यानी कि सभी को बराबर अवसर बराबर प्रदान करने की कोशिश करता है. सो दिस इज कॉल्ड इक्विटी. ठीक है, सो अ सिचुएशन इन विच एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली, यानी फेयरनेस उसे कहेंगे. ठीक, एडजेक्टिव हो जाएगा इक्विटेबल. द जज कंसीडर्ड बोथ साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट विद इक्विटी. जज ने दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स को इक्विटी से ट्रीट किया, बराबर तरीके से ट्रीट किया. सिनोनिम हो जाएगा फेयरनेस या इम्पार्शियलिटी, एंड एंटोनिम्स हो जाएगा बायस या फिर फेवर. एक्वस से ही दूसरा वर्ड आता है हमारा, एक्वस का मतलब है इक्वल, तो दूसरा वर्ड रूट वर्ड हमारा आया इन लगा दिया. इन आपका प्रीफिक्स कैसा है, नेगेटिव प्रीफिक्स है, तो इन इक्विटी मतलब हो गया इनजस्टिस बाय वर्चू ऑफ नॉट कंफर्मिंग विद रूल्स और स्टैंडर्ड्स, यानी कि आप बराबरी का दर्जा नहीं दे रहे हैं, इनजस्टिस कर रहे हैं, अनफेयरनेस कर रहे हैं, समथिंग दैट इज अनफेयर और द स्टेट ऑफ बीइंग अनफेयर, उसे कहते हैं इनइक्विटी. ठीक है, यानी कि जब आप बराबरी से दो लोगों को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, किसी का पक्ष ले रहे हैं, किसी को अधिक अवसर दे रहे हैं, एंटोनिम इसका हो जाएगा इक्विटी या फेयरनेस या जस्टिस. फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी इनइक्विटीज इन आर हेल्थ केयर सिस्टम, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत सारी इनइक्विटीज हैं. एडजेक्टिव हो जाएगा इनइक्विटेबल. अगला है हमारा एक्वस. एक्वस क्या है आपका, एक्वस इज एन इक्वल. एक्वस का मतलब है इक्वल, और इन मतलब हो गया निगेटिव आपका प्रीफिक्स. तो इनइक्विटी आपका, एक सेकेंड, हाँ, हमने अभी जो वर्ड देखा वो था इनइक्विटी, और ये वो टर्म है आपका इनइक्विटी. ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है आपका, इनइक्विटी का मतलब हो जाता है, क्या हो जाता है, द फैक्ट ऑफ बीइंग अनफेयर और रॉन्ग समथिंग दैट इज वेरी अनफेयर और रॉन्ग, कुछ बहुत ज्यादा गलत होना, इमोरल कंडक्ट और प्रैक्टिसेस
हार्मफुल और ऑफेंसिव टू सोसाइटी, यानी कि इमोरल कंडक्ट या इमोरल प्रैक्टिस, कोई ऐसी प्रैक्टिस जो कि बहुत ही अनैतिक है, बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव है और बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है सोसाइटी के लिए, जैसे कि करप्शन हो गया, डिबॉशरी हो गया, इन्हें भी हम इनइक्विटी कह सकते हैं। इनइक्विटी हम उसे कहेंगे द इनइक्विटी ऑफ रेशियल प्रेजुडिस, जैसे अगर मैं लिखूं इनइक्विटी ऑफ रेशियल प्रेजुडिस, मतलब जो आपका रंग भेद की नीति है वो बहुत ही इनइक्विटी, इनइक्विटी यानी कि ऐसी प्रैक्टिस जो कि बहुत ही मॉरली इनकरेक्ट है, मॉरली बहुत ही ज़्यादा गलत है, ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा मोरालिटी या वर्चू। द राइटर रिफ्लेक्ट्स ऑन ह्यूमन इनजस्टिस एंड इनइक्विटी, तो राइटर जो है वो ह्यूमन इनजस्टिस और ह्यूमन इनइक्विटी पर प्रकाश डालता है, कहने का मतलब हुआ जो मनुष्य के द्वारा की जाने वाली बहुत ही नैतिक रूप से बहुत ही गलत काम है उन पर प्रभाव डालता है, प्रकाश डालता है। इनइक्विटस इसका एडजेक्टिव बन जाएगा, मैंने आपको बताया ओ यू एस लगेगा तो एडजेक्टिव है और आई टी वाई लगेगा तो नाउन होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब देखो एक्वस से ही आपका दूसरा टर्म बनता है आपका, एक्वस का मतलब क्या है, इक्वल, और नॉक्स, नॉक्स का मतलब, नॉक्स या नॉक्टिस का मतलब हो जाता है नाइट, रात। टर्म हुआ आपका इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स क्या हो जाता है, इक्विनॉक्स इज अ टाइम व्हेन नाइट एंड डे आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। इक्विनॉक्स हम उस समय को कहते हैं जब रात और दिन बराबर होते हैं, जैसे आप इस देखेंगे इस पृथ्वी को आप जानते हैं, ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में मुझे कि कब होता है इक्विनॉक्स आपका, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा व्हेन इज द इक्विनॉक्स, व्हेन इक्विनॉक्स हैपन, ठीक है, इक्विनॉक्स कब होता है बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स का मतलब क्या है, वन ऑफ द टू टाइम्स इन द ईयर व्हेन द सन इज अबव इक्वेटर एंड द डे नाइट आर इक्वल, यानी कि साल के वो दो वर्ष जब दो दिन जब जो आपका सूरज है वो बिल्कुल इक्वेटर पे सामने चमकता है और आपका जो दिन और रात है वो बराबर होता है, दैट इज कॉल्ड आपका इक्विनॉक्स, ठीक है। डेट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक। और एक मैं आपको हिंट दूं तो अभी हाल फिलहाल में होकर गया है, ठीक। इन द चाइनीज कैलेंडर द स्प्रिंग इक्विनॉक्स ऑलवेज अकर्स इन द सेकेंड मंथ, चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो है वो हमेशा दूसरे महीने में होता है। एडजेक्टिव हो जाएगा इक्विनॉक्टियल, ठीक, इक्विनॉक्टियल मतलब हो जाएगा इसी का, कनेक्टेड विद इक्विनॉक्स, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक। अगला टर्म इसी से आया है आपका, हमने यहाँ पर रूट वर्ड क्या देखा, नॉक्स, नॉक्स से हमारा रूट वर्ड वर्ड क्या मिला, नाइट, तो इसी से हमारा वर्ड बनता है नॉक्स से नॉक्टिस, नॉक्टिस है रूट वर्ड, इसका मतलब है नाइट, और इससे हमारा टर्म क्या बना, नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल मतलब क्या हो जाता है, बिलोंगिंग टू और एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट। जैसे आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे, ऐसे एस्पेरेंट्स होंगे जो रात के समय में ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और रात के समय में ही बेसिक मोस्टली पढ़ते हैं, तो उन्हें हम नॉक्टर्नल कह सकते हैं जो रात के समय में पढ़ रहे हैं। तो सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा, नाइट, नाइटी, नाइट टाइम, नाइटली, नाइट टाइम। एंटोनिम हो जाएगा डेली और डायर्नल, डायर्नल क्या हो जाता है, जो दिन में रहते हैं, ठीक है, दिन में एक्टिव रहते हैं उन्हें हम कहते हैं डायर्नल, और आपका जो रात में एक्टिव रहते हैं उन्हें कहते हैं नॉक्टर्नल, ठीक है। नॉक्टर्नल मतलब क्या हो गया आपका, डायर्नल में जो रूट वर्ड है वो आपका क्या है, आपका डायर्नस, डायर्नस, डायर्नस मतलब हो जाता है डेली, और डेली से हमने निकाल लिया डे, यानी कि जो डे टाइम पर एक्टिव रहेगा उसे कहेंगे डायर्नल। ही बॉट अ न्यू टेलीस्कोप सो ही कुड परस्यू हिज फेवरेट नॉक्टर्नल हॉबी ऑफ एस्ट्रोनॉमी, यानी कि उसने एक नया टेलीस्कोप लिया जिससे कि वो रात में जो उसकी एस्ट्रोनॉमी की हॉबी है उसको परस्यू कर पाए। नॉक्टर्न हो जाएगा नॉक्टर्न, नाइट म्यूजिक को कह देंगे, ठीक है। चलिए अगला टर्म हमारा है इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी का मतलब क्या हो जाता है, इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी से टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इक्वेनिमिटी काफी बार पूछा जाता है। एनिमस का मतलब हो जाता है आपका, एनिमस का मतलब होता है माइंड, ठीक है, एनिमस का मतलब होता है माइंड, एनिमस का मीनिंग क्या हुआ, माइंड। एक्वस का मतलब हुआ इक्वल, इक्वेनिमिटी, एनिमस मतलब आई टी वाई हो गया नाउन, एनिमोसिटी, एनिमस मतलब हो गया माइंड, तो मीनिंग हो जाता है स्टीडीनेस ऑफ माइंड अंडर स्ट्रेस, यानी कि जब स्ट्रेस का समय हो, जब एंजाइटी बढ़ रही हो, जब आपका दिमाग ठहर नहीं रहा हो, उस समय अगर आप अपने आप पर काबू रखते हैं, उस समय आप अपने दिमाग को बहुत शांत रखते हैं, इसे हम कहते हैं इक्वेनिमिटी, ठीक है। कामनेस, कंपोजर, सीरिनिटी, ठीक है, इन सभी का मतलब हो जाता है आपका, इसमें और लिख लीजिए ट्रैंक्विलिटी,
ठीक है। तो इक्वेनिमिटी का मतलब हुआ स्टीडीनेस ऑफ माइंड अंडर स्ट्रेस, सिनोनिम हो गया एप्लॉम, कामनेस, शांति, ठीक, कंपोजर, सीरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी, मतलब हो जाता है दिमाग की शांति, दिमाग का बहुत बैलेंस रहना, शांत रहना। एंटोनिम हो जाएगा एजिटेशन, डिसकंपोजर एंड पर्टर्बेशन, यहाँ पे एन होगा, ठीक है। नथिंग डिस्टर्ब्स हिज इक्वेनिमिटी, उसके जो दिमाग की शांति है उसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक। चलिए अगले टर्म पर आते हैं। अगला टर्म हमारा एक्वस से ही बन रहा है और इक्वल है, ठीक है। अब यहां पर आपका टर्म क्या है, इक्वेबिलिटी। तो एबिलिटी अगर किसी भी टर्म में आएगा, इक्वेबिलिटी, एबिलिटी अगर किसी भी शब्द में आएगा तो उसे हम एडजेक्टिव ही बनाएंगे, ठीक। तो एबिलिटी, इक्वेबिलिटी मतलब क्या हो गया, मार्क्ड बाई लैक ऑफ वेरिएशन और चेंज, यानी कि जहां पर बहुत शांत रह रहा हो, ठीक है। बामी और क्लीमेंट कह सकते हैं, एंटोनिम हो जाएगा हार्श, इनक्लीमेंट, इनटेम्परेट या सीवियरनेस, ठीक है। जैसे कि यहां पर इसको देखिए, पत्थर बहुत ही बैलेंस्ड है, सो दिस इज कॉल्ड इक्वेबिलिटी। एन एरिया विद इक्वेबल क्लाइमेट वुड बी आर फर्स्ट चॉइस फॉर अ प्लेस इन विच टू सेटल, यानी कि ऐसा एरिया जहां पर बहुत ही शांत मौसम रहता हो वो हमारा पहला चॉइस होगा। इसी से हमारा दूसरा टर्म आ रहा है आपका इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखो यहां पर आपका टर्म है लिब्रा, आप ध्यान दीजिए, आप एक लिब्रा आपने इसके पहले कहां देखा होगा, लिब्रा आपने कहां देखा है, लिब्रा हिंदी में हम कहते हैं इसे तुला राशि, आप लोग राशि देखते होंगे ना, आप जोडेक साइंस देखते होंगे अपने, तो तुला राशि जो होता है उसका सिंबल क्या होता है, यही तो होता है, और लिब्रा का भी सिंबल आपका जो है वो यही होता है। सो लिब्रा का मतलब क्या है, लिब्रा का मीनिंग होता है बैलेंस, वेट या फिर पाउंड, बैलेंस मीनिंग हो जाता है, ठीक। अब इसी में आया इक्वे, इक्वे मतलब हो गया इक्वल, लिब्रियम, लिब्रा मतलब हो गया बैलेंस, मीनिंग हो गया अ स्टेट ऑफ इंटेलेक्चुअल और इमोशनल बैलेंस, यानी कि ऐसी अवस्था जिसमें आप इंटेलेक्चुअली और इमोशनली बैलेंस रहते हैं, शांत रहते हैं, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रिस्ट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रिस्ट इसी का आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, जो बैलेंस कर रहा है उसे हम कह सकते हैं इक्विलिब्रिस्ट, ठीक है। सिनोनिम हो जाएंगे बैलेंस, काउंटरपोइज, और एंटोनिम हो जाएगा डिसइक्विलिब्रियम या इम्बैलेंस। द पेयर ऑफ स्केल्स इज नॉट इन इक्विबैलेंस या इक्विलिब्रियम, यानी कि जो बैलेंस है या जो तराजू है वो आपका इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। चलिए ओके, अगला टर्म हमारा क्या है, इक्वस से ही आया, एक्वस का मतलब हो गया इक्वल, और इसी से क्या आ गया इक्वेटर। तो इक्वेटर आप सभी लोग जानते हैं, इक्वेटर क्या है, एन इमेजिनरी लाइन अराउंड अर्थ फॉर्मिंग द ग्रेट सर्कल दैट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है, उसे हम इक्वेटर कहते हैं, या आप इसे भूमध्य रेखा भी आप कहते हैं। अगला है इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन, इक्वेशन मतलब हो जाता है, आप सभी लोग मैथ्स में करते हैं, जैसे x प्लस 5 बराबर 2 10 है, तो ये क्या है, इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि 5 x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 5 हो जाएगी। तो आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल, उसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन। देखिए ये मीनिंग आपको पहले से बताऊंगे, लेकिन एटलीस्ट आप यहाँ पर रूट वर्ड की नॉलेज हो रही है, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है रिलेटेड टू अ वर्ड वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी, ठीक। अब देखो इसी से और टर्म बन जाते हैं आपका, रूट वर्ड आया लैटस या लैटरिस, मतलब हो जाता है साइड, क्या मतलब है, साइड। तो वर्ड आया आपका इक्वी डिस्टेंट, इक्वी मतलब इक्वल, डिस्टेंट मतलब दूरी, तो इक्वल फार फ्रॉम टू और मोर प्लेसेस, दो जगहों से इक्वल डिस्टेंस पर है, बराबर की दूरी पे है, इसे हम कहते हैं इक्वी डिस्टेंट। अगला है इक्वी एंगुलर, एंगुलर मतलब हो गया एंगल से, इक्वी मतलब हो गया बराबर, मीनिंग हो जाता है हैविंग ऑल एंगल्स इक्वल, दो सभी एंगल्स जो हैं बराबर होते हैं, इसे हम कहते हैं इक्वी एंगुलर। अगला है इक्विलेटरल, आप सभी लोग जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब लेटरल मतलब साइड्स, तो इक्वी मतलब बराबर, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स बराबर हैं। वैलेंट, वैलेंट मतलब होता है वैलेंस, वैलेंस मतलब वैल्यू, तो इक्विवेलेंट मतलब हो गया इक्वल इन अमाउंट और वैल्यू, जिसकी वैल्यू बराबर हो, जो अमाउंट और वैल्यू जो है वो बराबर हो। और इसी से क्या टर्म आ जाते हैं आपके, इक्वस, इक्वस मतलब हो गया हार्स, हॉर्स, ठीक है, इक्वस का मीनिंग क्या होता है, हॉर्स। और पेडेस्ट्रियन, ध्यान दीजिए, पेडेस्ट्रियन मतलब हो जाता है जो व्यक्ति पैदल चलता है, तो उसे हम कहते हैं पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाले लोगों को हम पेडेस्ट्रियन कहते हैं, ध्यान रखिए। और फुट के लिए, अगर यू आर गोइंग पैदल, अगर आप जा रहे हो तो आप उसके लिए हमेशा ऑन फुट ही लिखोगे, याद रखिए, ये ग्रामर का रूल है, लेकिन याद रखिए, यू आर गोइंग ऑन फुट, यानी आप पैदल जा रहे हो, ठीक है।
अब देखो टर्म क्या आया, स्टीरियन, स्टीरियन मतलब चलने वाला, इक्वी मतलब हॉर्स, मतलब क्या हो गया, ऑफ और रिलेटिंग टू फीचरिंग हॉर्स बैक राइडिंग, यानी कि वह व्यक्ति जो हॉर्स की बैक पे चलता है उसे इक्विस्टीरियन कहेंगे, एडजेक्टिव हो गया। इक्विस्टीरियन आपका नाउन बनता है, अ गर्ल और वुमन हु राइड्स ऑन हॉर्स बैक, उसे हम कहते हैं इक्विस्टीरियन, ठीक है। दे प्लान टू होल्ड द ओलंपिक्स इक्विस्टीरियन इवेंट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द सिटी, उसे हम अदर पार्ट्स ऑफ द सिटी में ऐसा इवेंट होस्ट करने की वो प्लान कर रहे हैं। और इसी से एक और वर्ड क्या बन गया, इक्वाइन, इक्वाइन मतलब हो जाता है कनेक्टेड विद हॉर्स या लाइक अ हॉर्स, ये आपका एडजेक्टिव है, मीनिंग हो जाएगा लाइक अ हॉर्स, ठीक। तो याद रखिए जो रूट वर्ड है आपका इक्विनस, इक्विनस का मतलब ही हो जाता है हॉर्स, तो इसीलिए आपका इक्वाइन का मतलब हो गया रिलेटेड टू हॉर्स, हॉर्स लाइक, ठीक है। अगला टर्म हमारा आता है आपका वॉक्स, आपने वॉइस देगा वर्ड देखा है वॉक्स, वॉक्स का मतलब होता है वॉइस, ठीक है। इसीलिए एक टर्म होता है आपने देखा हो शायद, जिन लोगों ने फॉरेन वर्ड्स थोड़े बहुत पढ़े होंगे, एक होता है वॉक्स पॉपुली, तो वॉक्स मतलब हुआ वॉइस, पॉपुली मतलब पॉपुलेशन, मतलब हो गया वॉइस ऑफ पॉपुलेशन। इक्वी वोकल, वोकल मतलब कहना, इक्वी मतलब बराबर, मतलब हो गया गिविंग गुड रीजन फॉर बीइंग डाउटेड, मतलब एक जैसे मीनिंग होना, ये हम लोग कल देख चुके हैं, सिनोनिम हो जाएगा डिबेटेबल डिस्प्यूटेबल, और इनकॉन्टेस्टेबल एंटोनिम हो जाएगा इनडिस्प्यूटेबल एंटोनिम हो जाएगा। सिनोनिम एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं द पॉलिटिशियन गेव एन इक्वी वोकल आंसर, तो इक्वी वोकेशन इसी से रिलेटेड आपका आ गया, ठीक है। चलिए, सो वी विल कीप दिस वीडियो टिल हियर, एंड आई होप जितना पढ़ाया आपको सभी को समझ में आया होगा। और आप लोगों ने अगर अनअकैडमी प्लस पर मेरे बैचेस नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, ये मेरा रेफरल कोड है जिसको इस्तेमाल करके आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और उसके बाद आप इन सभी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। और अनअकैडमी पर फ्री क्लास भी एक्सेस जरूर करिए, अनअकैडमी पर जाइए, अनअकैडमी पर आप लोग जाइए और अनअकैडमी पर सर्च कीजिए अमन त्रिवेदी, आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी और यहाँ से आप मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, तो आपको यहाँ पर ये जो स्पेशल क्लासेस हैं आप इनको फ्री में देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग इस वीडियो को फॉलो करते रहिए, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल आमन त्रिवेदी को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा इस क्लास की। और वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, अगर वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट सेक्शन में अटेंडेड अवश्य लिखिए, जिससे कि मुझे पता लगे कि आपको ये वीडियो देखा है आपने। और पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।